नमोवा। क्या हाल चाल दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। और हाँ, आप सबने टाइटल बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं अपने चैनल पे अकाउंट रिव्यूज़ बंद करने वाला हूँ। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पहुँच जाओ या मेरे मुँह पे अंडे टमाटर मारने की तैयारी करो, मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। और इन पॉइंट्स के ज़रिए आज एक बहुत ही गहरी बात या बहुत ही सीरियस बात आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सब लोगों से करना चाहता हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने अपनी स्ट्रीम पर यह कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकाउंट रिव्यूज़ बंद कर देने चाहिए। तो जब मैंने ये कहा था उस टाइम मेरा एक्चुअल में मतलब ये था कि जो लोग अकाउंट अपना फ्लैक्स करने आते हैं, जैसे सपोज़ किसी की राइडन C6 है और वो वहाँ पर फ्लैक्सिंग करने के लिए आया है, तो ये सब स्ट्रीम पर दिखाना बंद कर देना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है कि भाई सबके पास C6 कैरेक्टर नहीं होते और जिनके पास हैं वो शो ऑफ तो करेंगे ना। बात तो सही है, अगर मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी होती तो मैं भी उसे सड़क पे लेके निकलता, फ्लेक्स करता। लेकिन यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल वेट है। अब एक चीज़ इमेजिन करो, तुम लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम लोग मेरे नेचर को जानते हो। तुम जानते हो कि मैं बहुत ही क्लीन स्ट्रीम करता हूँ और स्ट्रीम पे जो भी कुछ कहता हूँ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कहता हूँ। इन शॉर्ट, मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा और ये सब करके मेरी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी तो तुम लोगों के बीच में बनी ही होगी। तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद ये मानते हो कि यार अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया जा सकता है बिना ज़्यादा सोचे समझे। नाउ इमेजिन ये सारी क्रेडिबिलिटी लेके मैं कल को कोई बेटिंग ऐप, कोई गैम्बलिंग ऐप, कोई फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली ऐप, ये सब प्रमोट करने लगूँ तो बुरा लगेगा ना, शॉक होंगे ना। अब तुम कहोगे कि ये सब तो ठीक है पर इसका अकाउंट रिव्यू से क्या लेना देना। वेल, वो लैम्बोर्गिनी वाला एग्जाम्पल याद है जो मैंने दिया था? जैसे कोई इंसान अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर सड़क पर निकलता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो देख के कहते हैं वाह ये वाली गाड़ी यार, काश एक दिन मैं भी लूंगा। उसी तरीके से जब भी कोई व्हेल स्ट्रीम पर आता है और अपने C6 R5 कैरेक्टर्स दिखाता है तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत लोगों का माइंड ब्लो हो जाता है कि यार कितने बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, काश मेरे पास भी होते, मेरे पास होते ना तो मैं भी ऐसी फ्लेक्स करता। मोस्टली हम सब लोग ये सब देख के फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, एंड बाई कैरेक्टर्स आई मीन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ये देखकर पैसा खर्चने को रेडी हो जाते हैं कि नहीं, अब तो किसी भी कीमत पे मुझे भी ऐसे फ्लेक्स करना है, एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी। बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे जॉर्ज कार्लिन, जिन्होंने एक बार कहा था, पीपल स्पेंड मनी दे डोंट हैव ऑन थिंग्स दे डोंट नीड, मनी दे डोंट हैव ऑन थिंग्स दे डोंट नीड। सोचो इस बारे में। अब मजे की बात यह है कि गेम में ये सब करना एज एन F2P भी पॉसिबल है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही पेशेंस दिखाते हुए और बहुत ही ग्राइंड करके अपने पसंदीदा कैरेक्टर को C6R5 किया है। पर यह करना सबके बस की बात नहीं है। आजकल की जनरेशन जिनके अंदर पेशेंस उतना ही है जितना मेरे अंदर स्पाइरल अब इसको क्लियर करने की स्किल्स, तो उनसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके लिए शॉर्टकट ये रहता है, पैसा खर्चो और कैरेक्टर बिल्ड करो। तो उनके इस डिसीजन में मेरा भी एक रोल बन जाता है, क्योंकि वो मैं ही था जिसने अपनी स्ट्रीम पर किसी वेल के अकाउंट को फ्लेक्स किया और उन्हें इन्फ्लुएंस किया। अगर मैं अपनी स्ट्रीम पर ये फ्लेक्सिंग कभी करता ही नहीं तो हो सकता है वो पर्सन कभी इस तरह का खर्चा नहीं करता। हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, प्रॉबेबली मैं हो सकता है ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे इन्फ्लुएंस में आकर या मेरी स्ट्रीम पे कुछ भी दिखाई जाने वाली चीज से इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी टीनएजर या कोई भी यंग अडल्ट जो भी जॉब कर रहा है या स्कूल में है या कॉलेज में है, अगर वो किसी भी तरह का इस गेम में खर्चा करता है तो उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी बनती है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, आप मुझसे पूछोगे कि आर्कन भाई अगर ये हम कंपनी इन गेम्स में पैसा खर्चा करना बंद कर दें तो ये कंपनी चलेंगी कैसे, क्योंकि ये यहीं से पैसे कमाती हैं, तो अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये रेवेन्यू नहीं कमाएंगी, रेवेन्यू नहीं कमाएंगी तो एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी और जिस गेम से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ये गेम भी हम एक दिन नहीं खेल पाएंगे। अब बात तो सही है, कंपनीज के पास इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है पैसा कमाने का, तो क्या करें? तो मैं आपको कहूंगा कि कंपनीज को चलाने का ठेका आप लोग वेल्स के सर पे डाल दो। देखो, मार्केट में आज जो भी मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल गाचा गेम्स स्पेसिफिकली, उनका मोस्टली रेवेन्यू 50-70% वेल से ही आता है। आपके 400-500 रुपए इतना मैटर नहीं करते। और दूसरा ठेका आप डाल दो कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, जो यूट्यूबर्स हैं। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब गेम के अंदर स्पेंड करता है तो थोड़ी सेंस बनती है, क्योंकि वो गेम से पैसा भी कमा रहा है। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का तो वापस ले ही आता है, बल्कि उससे ज्यादा ही कमाता है। आपके 400-500 रुपए इतना ज्यादा मैटर नहीं करते कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वन टाइम परचेज करते हो, 8,000 रुपए का कोई पैक आपने गेम के अंदर खरीदा, तो उन 8,000 रुपए की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है, कंपनी के लिए इतनी नहीं है। तो गेम के अंदर खर्चा आपको अपनी सिचुएशन देख के करना है, ना कि कंपनी की सिचुएशन देख के। हाँ, हेयर एंड देयर अगर आप एक महीने में, दो महीने में कोई छोटा सा खर्चा करते हो, जैसे हर गाचा गेम के अंदर एक मंथली पास होता है,
जो आपको एक प्रीमियम इन गेम करेंसी प्रोवाइड करता है, अगर आप ये महीने दो महीने तीन महीने में एक बार खरीद लेते हो, दैट इज फाइन। मैं खुद भी पर्सनली जब भी कोई गाचा गेम खेलता हूँ या कोई मोबाइल गेम खेलता हूँ और वो गेम मुझे अच्छी लगती है, तो जस्ट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं उस गेम के किसी छोटे से पैक को परचेज कर लेता हूँ। ये मेरा एक तरीका हुआ उस गेम को गिव बैक करने का, उस गेम को वापस देने का जो मुझे अच्छा एंटरटेनमेंट, घंटों का गेम प्ले ये सब प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर मैं अंधा पैसा खर्च करना शुरू कर दूं उस गेम में, तो वो सिंपली बेवकूफी है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऑन स्ट्रीम अकाउंट फ्लेक्सिंग से इंप्रेस होना बंद करो, और कंटेंट क्रिएटर से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के अकाउंट्स को बहुत रिस्पॉन्सिबली फ्लेक्स करें। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, तो क्या मेरे चैनल पे अब कभी भी अकाउंट रिव्यू नहीं होगा? द आंसर इज नो। मैं अब भी अकाउंट रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के अकाउंट्स अपने ऑन स्ट्रीम देखूंगा जो या तो जेन्युइनली F2P हैं, जिन्होंने बहुत ग्राइंड करके और बहुत पेशेंस से अपने कैरेक्टर्स को C6, R5 या इस तरीके से किया है, या नए प्लेयर्स जिन्हें जेन्युइनली मदद की जरूरत है अपने अकाउंट को, अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए। और मैं पर्सनली भी कभी भी अपने चैनल के ऊपर कोई गैम्बलिंग ऐप, कोई बेटिंग ऐप या इस तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्कीम, फाइनेंशियल स्कीम्स ये कभी प्रमोट नहीं करने वाला। तो होपफुली हम सब एक रिस्पॉन्सिबल गेमर बने जो अपने आज के प्लेजर के लिए अपना कल खराब ना करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमो वा।